हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अदितीज किचन में। भिंडी तो आप लोगों ने बहुत बार खाई होंगी, पर इस तरीके से आपने नहीं खाई होंगी। ये भिंडी है स्पेशल तवा फ्राई भिंडी है, जो बहुत ही टेस्टी। और इस भिंडी को मैंने करेला मसाले के फ्लेवर में बनाया है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे करेला मसाला का यूज़ किया है, तो भिंडी बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हुई है। तो इस रेसिपी को हम आपके साथ में शेयर करते हैं। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। तो मैंने यहाँ पर ये भिंडी 100 ग्राम लिया है, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो भिंडी को चलिए हम कट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे भिंडी को 4 पार्ट में कट कर लिया है। इतनी पतली पतली सी स्लाइसेस कट की हैं, आप देख सकते हैं। 2 हरी मिर्च ली हैं, उसकी भी मैंने पतली स्लाइस कट की हैं। और 4 से 5 मैंने लहसुन की कलियाँ लिया है, उनको भी मैंने पतला पतला कट कर लिया है। और अब लेते हैं तवा। तवा पे मैं डालूँगी कुकिंग ऑयल, यहाँ पर आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और ये 1/2 टीस्पून यहाँ पे करीब मैं जीरा डालूँगी। जीरा को अच्छे से हम चटकने देंगे। जीरा यहाँ पे अच्छे से चटक गया है। अब इसमें डाल देंगे लहसुन, जो मैंने बारीक कट करके रखी हुई थी। लहसुन को गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ा सा भूनेंगे, ज़्यादा नहीं। तो देखिए आप, लहसुन हो चुका है हल्का सा गोल्डन ब्राउन। और अब इसमें ऐड कर देंगे भिंडी जो कट करके रखी थी। मैंने यहाँ 1/2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल यूज़ किया है, और प्याज का यूज़ मैंने यहाँ पे नहीं किया, क्योंकि ये मैं तवा फ्राई भिंडी बना रही हूँ, तो इसमें प्याज का यूज़ नहीं करेंगे। और इसी के ऊपर हम डाल देंगे हरी मिर्च कटी हुई, और इनको अच्छे से हम ऑयल में मिक्स कर लेंगे। और इसे हम 1 मिनट तक के लिए कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। और नमक हम पहले नहीं डालेंगे, नमक हम बाद में डालेंगे, जब ये 1 मिनट के लिए इसको कवर करके फिर से चेक करेंगे, फिर इसमें हम नमक ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ इसको कर दिया 1 मिनट के लिए कवर, और खोल के अब चेक कर लेंगे। तो इनको भिंडी को फिर से चला देंगे अच्छे से। तो देखिए हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं। नमक मैंने यहाँ पे इसलिए पहले नहीं डाला था, अगर नमक डालते तो भिंडी ना इसका लसपन छोड़ देता है, इसलिए नमक हमेशा थोड़ी देर बाद में ही डालें। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून नमक, क्योंकि भिंडी थोड़ी है तो उसमें अपने अकॉर्डिंग आप नमक ऐड करें। और नमक को कर लेंगे भिंडी में अच्छे से मिक्स। तो इस तरीके से आप भिंडी बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनती हैं। कुरकुरी सी भिंडी और चटपटी सी, और करेले की फ्लेवर में ये भिंडी, यानी करेले मसाले का फ्लेवर आता है इस भिंडी में, क्योंकि मैं करेले मसाले का यहाँ पर यूज़ करूँगी। अब इस भिंडी को हम कवर नहीं करेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम खुला ही मीडियम फ्लेम पे इसे हम फ्राई करेंगे तवे पे। और इसे हम चलाते रहेंगे बीच बीच में, जिससे बहुत अच्छे से फ्राई भी होंगी, और क्या कहते हैं, नीचे लगेगा भी नहीं ऐसे, इसलिए बीच बीच में चलाते रहेंगे और चलाते हुए इसको फ्राई कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून करेला मसाला। करेला मसाला तो हर कोई बनाता है, जब घर पे करेला बनता है या भरवा मिर्च बनते हैं तो हर कोई यूज़ करता है, वही करेला मसाला हम भिंडी में यूज़ कर रहे हैं। और इस मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे भिंडी में। इस भिंडी की रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी ये भिंडी बन के रेडी होती हैं, एकदम कुरकुरी सी। और इसका जो फ्लेवर होता है वो बड़ा ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी होता है। तो इस भिंडी को आप लोग ज़रूर ट्राई करें। तो इसे हम कुछ सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए इसे कवर कर देंगे, इसलिए क्योंकि जो इसका मसाला जो मैंने डाला है करेला मसाला, वो अब्जॉर्ब हो जाए भिंडी में अच्छे से। तो इसे हम खोल के चेक कर लेते हैं, और इसको एक बार फिर से हम चला देते हैं। तो देखिए भिंडी एकदम अच्छे से प्रॉपर तरीके से कुक हो चुकी हैं, यानी फ्राई हो चुकी हैं। अगर आप ज़्यादा क्रिस्पी खाना चाहते हो तो इसे आप और फ्राई कर लीजिए, अगर नॉर्मल खाना चाहते हो तो इसे बंद कर दीजिए। तो देखिए भिंडी हो गई बनके रेडी, एकदम यम्मी सी भिंडी। और इस भिंडी को हम यहाँ पे अब ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हम इतना ही फ्राई इसको
गैस को बंद कर देते हैं। आप चाहें तो इसे और फ्राई कर सकते हैं। तो गैस फ्लेम को हम कर दिया है बंद और इसको कर लेते हैं सर्व। तो एक लेते हैं सर्विंग प्लेट और इस भिंडी को हम इसमें सर्व कर लेते हैं। और इस भिंडी को अगर आप दाल चावल और रोटी के साथ में कॉम्बिनेशन करके खाएं तो बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसे आप जिसके साथ भी खा सकते हैं खाइए, क्योंकि ये दाल चावल के साथ तो और रोटी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो लीजिए, कुरकुरी भिंडी बनकर हो गई है रेडी। तो मैं तो चली इसे रोटी के साथ में सर्व करने। आप किसके साथ में शेयर करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपना अच्छा अच्छा सा फीडबैक दें इस वीडियो के बारे में कि वीडियो आप सभी को कैसी लगी और ये रेसिपी कैसी लगी आप सभी को ज़रूर ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।